हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली बार जो है हमने टैनरी इंडस्ट्री के बारे में देखा था कि उसमें हम किस तरीके से जो है सेपरेट करते हैं हमारा जो भी इन्फ्लुएंट होता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट डेयरी इंडस्ट्री। ओबियसली ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो भी हमारा सेपरेशन होगा, इन्फ्लुएंट होगा, उसमें बहुत सारा ग्रीस और ऑयल रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, हमें अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री में पनीर दूध, ठीक है, पनीर दूध माखन ये सब कुछ यहाँ पर बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट, इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए इट्स ट्रीटमेंट इज डन फर्स्ट बाय एडजस्टिंग पीएच फॉलो बाय एडिशन ऑफ कोएगुलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें करना है, हम वन बाय वन पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमें इसका पीएच एडजस्ट करना है, ठीक है, पीएच एडजस्ट करना है। फॉलो बाय क्या करना है हमें इसमें, एडिशन ऑफ कोएगुलेंट, ठीक है। पीएच एडजस्ट करो, ठीक है, नियर अबाउट 7। उसके बाद इसमें कोएगुलेंट ऐड करो। उसके बाद में विच अलाउज प्रेसिपिटेशन ऑफ फैट्स एंड सॉलिड। तो ये क्या करेगा, फैट्स जो भी मिल्क का फैट होगा और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, ये कोएगुलेट करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है, विच कॉज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोएगुलेंट ऐड करने के बाद फैट और सॉलिड क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे और प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे। उसके बाद में द केमिकल्स आर एडेड टू कॉज डी इमल्सिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो केमिकल्स यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं वो दो तीन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। आइदर वो कोएगुलेशन करेंगे, ठीक है, या फिर डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो इमल्सिफिकेशन है ये ऑयल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी इमल्सिफिकेशन करेंगे यानी कि ऑयल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ऑयली उसका नेचर होगा चिपचिपा, उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और यहाँ पे फ्लॉकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो कोएगुलेशन, डी इमल्सिफिकेशन और फ्लॉकुलेशन, ये तीन यहाँ पर स्टेप क्या होंगे, फॉलो होंगे। उसके बाद में द कलर एंड ओडर कैन बी रिमूव कम्प्लीटली यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट। और उसके बाद में क्या करेंगे, एक्टिवेटेड कार्बन का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। यानी एक्टिवेटेड चारकोल इसमें डालेंगे, कार्बन इसमें डालेंगे, जो क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है, फ्लॉकुलेंट में से। और उसके बाद उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एट अ फाइनल स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस डन। और लास्ट स्टेज में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, सबसे पहले पीएच एडजस्ट करेंगे नियर अबाउट 7। उसके बाद इसमें कोएगुलेंट डालेंगे जो कि फैट सॉलिड को क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है, फैट और सॉलिड को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। उसके बाद जो हम केमिकल्स डालने वाले इसमें वो ऐसे हो जो क्या करे, आइदर कोएगुलेट कर दे, ठीक है, यानी वहां पे जाके बॉन्ड फॉर्म करे, या तो डी इमल्सिफिकेशन करे, जो भी ऑयली उसका नेचर है उसको क्या करे, वो सेपरेट करे, और या तो फिर फ्लॉकुलेशन करे, ठीक है, फ्लॉकुलेशन करे यानी ऑब्वियसली उसमें फ्लॉकुलेंट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन डालेंगे जो इनको एड्सॉर्ब कर लेंगे, और फिर हम रिवर्स ऑस्मोसिस से जो इफ्लुएंट है हमारा उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये डेयरी इंडस्ट्री का यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट डिस्कस किया है। उसके बाद में एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट पीएच इज रेज्ड अप टू 8.5, ठीक है। तो इसके केस में भी जो हमने पहले बोला था कि पीएच हमें एडजस्ट करना है, तो 8.5 के आसपास एडजस्ट करना है, तो ये क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। उसके बाद में यूजिंग कॉस्टिक और एसिड, तो जो पीएच एडजस्ट करना है उसके लिए यूज क्या करना है, कॉस्टिक सोडा और क्या यूज कर सकते हैं, एसिड, ठीक है, कॉस्टिक और एसिड डिपेंड्स। अभी बेसिक तब यूज करेंगे, ठीक है, जब पीएच उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एसिडिक पीएच होगा तो हम इसको कॉस्टिक डाल के अल्कलाइन बनाएंगे, ठीक है। अगर पहले से ही बहुत ज्यादा बेसिक होगा, 11 के पास में होगा, तो एसिड डाल के हम उसको 8.5 बनाएंगे, समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट,
कोएगुलेंट डी इमल्सीफायर इज एडेड. तो यहाँ पर डी इमल्सीफायर हमें डालना है, ये हमने पहले ही देख लिया. तो एक ही चीज इन्होंने बार बार लिखी है, तो डोंट गो फॉर दैट. जो भी आपको इजीली स्टेप वाइज याद रहता है उसी को बस याद रखना है. अब जैसे आपने पहले ही पॉइंट में लिखा कि पीएच एडजस्ट करना है, तो उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि 8.5 एडजस्ट करना है. उसके लिए हम आइदर कॉस्टिक यूज कर सकते हैं या एसिड यूज कर सकते हैं. ठीक है, जब हमने पहले ये लिखा कि इमल्सिफिकेशन होगा डी इमल्सिफिकेशन, तो वहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि डी इमल्सिफायर हमें क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा, जो कि क्या बनाएगा, पिन फ्लॉक. ठीक है, पिन फ्लॉक. तो ये लोग जानबूझ के जो है सेंटेंसेस जो है अलग अलग लिखते हैं ताकि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाए. अगर इसको हम पॉइंट वाइज अरेंज कर लेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा. ठीक है, तो पीएच 8.5 अल्कलाइन बनाना है, एडजस्ट करना है बाय यूजिंग कॉस्टिक और एसिड. उसके बाद डी इमल्सिफायर यूज करना है जो क्या तैयार करेगा, पिन फ्लॉक. ठीक है, जो फ्लॉकुलेंट होता है उसको यहाँ पे क्या बोला गया, पिन फ्लॉक. पिन फ्लॉक इज अ पास टू फ्लैश मिक्स जोन एंड देन टू स्लो मिक्स जोन टू कन्वर्ट पार्टिकल्स इंटू लार्जर पार्टिकल्स. अब ये जो पिन फ्लॉक है यहाँ पर ये दो जोन में जाएगा. पहला होगा फ्लैश मिक्स जोन, जहां पर फास्ट वहां पर उसको क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा किसके साथ में, डी इमल्सीफायर के साथ में और कोएगुलेंट के साथ में. ठीक है, और उसके बाद में स्लो मिक्स जोन, स्लो मिक्स जोन. ठीक है, तो पहले जाएगा फ्लैश मिक्स जोन में, बाद में जाएगा स्लो मिक्स जोन में. ठीक है, उसके बाद में लार्जर पार्टिकल्स यहाँ पे, लार्जर पार्टिकल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे. उसके बाद में ये जो लार्जर पार्टिकल्स है, दिस इफ्लुएंट इज इंट्रोड्यूस डिजोल्व एयर फ्लोट एक्शन इनलेट DAF. ये अब जो बचा हुआ फ्लॉक्युलेंट होगा उसको हम डालेंगे DAF में. वॉट इज दिस DAF? दिस इज डिजोल्व एयर फ्लोट एक्शन, इसका लॉन्ग फॉर्म है डिजोल्व एयर फ्लोट एक्शन. ठीक है, तो ये इसके अंदर हम इसको डालेंगे. इट हैज प्रेशराइज डिजोल्व फाइन बबल रिसाइकल स्टीम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ सेटअप्स होंगे, ऐसी कुछ मशीनरीज होंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे, हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे, हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे, और जो एयर पार्टिकल्स है वो यहाँ पर बबल के फॉर्म में होंगे. ठीक है, बबल के फॉर्म में एयर होंगे, तो ये जो एयर पार्टिकल है यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बबल. तो उससे क्या होने वाला है, सो पार्टिकल्स अटैच टू बबल्स एंड फ्लोट ऑन सरफेस एंड गेट रिमूव एंड टर्न इंटू स्लज केक्स थ्रू फिल्टर प्रेस. तो यहाँ पे ये जो बबल्स है इसको ये यहाँ पर जो अभी फ्लॉक्युलेंट्स तैयार हुए हैं, ये फ्लॉक्युलेंट्स जो यहाँ पे तैयार हुए हैं ये इस बबल को अटैच हो जाएंगे. उसके बाद इसको सिस्टम में से रिमूव कर देंगे थ्रू प्रेस फिल्टर, यानी कि फिल्टर हम यहाँ पर, फिल्टर पेपर हम यहाँ पर, जो भी हमारा फिल्टर का सेटअप है उसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और बबल्स को रिमूव कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पे जमा हो जाएंगे, सरफेस पे बबल होंगे, बबल क्या करेंगे, हाई प्रेशर के कारण इन फ्लॉकुलेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो कि बबल के साथ में अटैच हो जाएंगे, और जब हम इसको, इस फिल्टर को प्रेस करेंगे ये इसके साथ में बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, देन एडवांस टेक्नोलॉजीज भी इसमें यूज कर सकते हैं डेयरी इंडस्ट्री में. सो इलेक्ट्रो कोएगुलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रो कोएगुलेशन यूज कर सकते हैं एडवांस टेक्निक में, इलेक्ट्रो कोएगुलेशन. ठीक है, इलेक्ट्रो कोएगुलेशन टेक्निक, दिस रिमूव्स डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट टर्बिडिटी एंड कलरिंग मैटर बाय पासिंग करंट यूजिंग इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रो कोएगुलेशन है, इसमें करंट का यूज होने वाला है और इलेक्ट्रोड्स का यूज होने वाला है. ठीक है, तो ये कैसे होगा डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें देखना है इलेक्ट्रो कोएगुलेशन टेक्निक है, उसमें करंट पास करके दोनों इलेक्ट्रोड पे करंट पास करके, ठीक है, जितने भी इसमें से मेटल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एज ए इम्प्यूरिटी. उसके बाद एडजॉर्प्शन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, ये भी जो एडवांस टेक्निक में है. एडजॉर्प्शन प्रोसेस में पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन को हम डालेंगे. ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन को हम यहाँ पे डाल देंगे जो क्या करेगा, इफ्लुएंट में से इम्प्यूरिटी को रिमूव करेगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर
डेयरी इंडस्ट्री में एडवांस टेक्निक्स है। उसके बाद में यहाँ पे और एक एडवांस टेक्निक है, इलेक्ट्रो डायलिसिस। इसमें क्या होगा, यूजिंग सुटेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन का यूज होगा, हमें अच्छी तरीके से पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे ऑब्वियसली बैटरी अटैच होगा, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, वेरियस एरोबिक एंड अनएरोबिक डाइजेस्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज। तो एरोबिक और अनएरोबिक डाइजेस्टर, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन द अब्सेंस ऑफ एयर डाइजेशन करेंगे, उनके साथ साथ हम रिवर्स ऑस्मोसिस को पेयर कर देंगे, जिसके कारण ये क्या करेगा कि वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को ठीक है, हाई सोल्यूट की तरफ से लो सोल्यूट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में। सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। सो दिस पेट्रोलियम इंडस्ट्री, केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। सो ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इसमें कौन से केमिकल्स आते हैं, तो केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है, और एंड पेट्रोल, यू कैन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस से जो भी केमिकल ऑब्टेन होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो दिस वॉट एवर फ्रॉम पेट्रो इंडस्ट्री इज ट्रीटेड बाय एम्प्लॉइंग फॉलोइंग टेक्निक्स। तो जो भी इस पेट्रोकेमिकल टेक्निक में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में पाया जाता है, उसको फॉलोइंग टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एज पर कन्वेंशन, दी IRY ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सेपरेशन एंड स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वन बाय वन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ऑब्वियसली स्क्रीनिंग, और क्या होगा साथ साथ में, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट में। उसके बाद इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट सुटेबल कोएगुलेंट एडेड टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन। ऑब्वियसली सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमें क्या ऐड करना है, कोएगुलेंट, जो क्या कर सकता है, कोएगुलेशन, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके लार्जर पार्टिकल में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद एडेड टू ब्रिंक अबाउट कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन एंड लेटर टू अचीव मच बेटर रिजल्ट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डन, ठीक है। कोएगुलेशन होने के बाद अगर हमने उसको ऑक्सीडेशन पॉन्ड में रखा या फिर उसको हमने लगूंस में रखा, तो ये फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस करेगा। फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर फ्लॉकुलेशन लेटर टू अचीव मच बेटर रिजल्ट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड, उसके बाद एरेटेड लगून्स, उसके बाद अनएरोबिक डाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम उसके बाद में करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना हमने अभी डिस्कस किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्शरी ट्रीटमेंट में पेट्रोलियम इफ्लुएंट इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड केमिकल ऑक्सीडेशन। तो ये जो टर्शरी ट्रीटमेंट होगा इसका, इसमें हमें क्या क्या करना है, टर्शरी ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना है, इसको हमें फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना है,
उसके बाद मेम्ब्रेन का यूज करना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में केमिकल ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं, केमिकल ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोकार्बन है तो इसको हम अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का होना मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का ज्यादा होना, इसीलिए इसका केमिकल ऑक्सीडेशन भी टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम कर सकते हैं। उसके बाद में टिपिकल ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ इनलेट, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, ठीक है, तो डायग्राम में हमें देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। सो लेट अस सी, ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा इनलेट वाटर, एक इनलेट होगा सबसे पहले, ठीक है, इनलेट फॉर वाटर। उसके बाद नेक्स्ट डी ऑयलिंग, नेक्स्ट प्रोसीजर होगा इसका डी ऑयलिंग। उसके बाद होगा इक्विलाइजेशन, इक्विलाइजेशन में हमें अच्छी तरीके से पता है क्या होता है, डी ऑयलिंग में ऑयल रिमूवल होगा, इक्विलाइजेशन में एसिड बेस पीएच मेंटेन होगा, ठीक है, एसिड बेस जो भी हमें पीएच मेंटेन करना है इसमें वो होगा। उसके बाद क्लैरिफायर, क्लैरिफायर इज फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है वहां तक आ गए। इनलेट फॉर वाटर होगा, डी ऑयलिंग होगा, इक्विलाइजेशन होगा यानी कि एसिड बेस पीएच मेंटेन होगा, उसके बाद क्लैरिफायर यानी कि स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद इसको सेंड करना है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में इसमें डालना है एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ट्रीटेड वाटर, ठीक है। उसके बाद में क्लैरिफायर से यहाँ पर हमें मिलेगा स्लज जो कि वेस्ट है। उसके बाद में अब इसको हम क्या करेंगे, डी वाटर्ड यानी कि जो भी इसमें से वाटर होगा वो हम रिमूव कर लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, डिस्पोज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, यहाँ पर सबसे पहले इनलेट होगा, तो इसको आपको डिस्क्राइब कर देना है कि इसमें क्या क्या होगा, ये याद रख लेना है फ्लो चार्ट, और इसी को डिस्क्राइब कर देना है कि यहाँ पर जो है इनलेट होगा, इनलेट से फिर डी ऑयलिंग होगा, ठीक है, डी ऑयलिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें जो भी सॉलिड वॉलिड पार्टिकल्स है, ऑयल्स है, वो रिमूव किए जाएंगे। उसके बाद इक्विलाइजेशन, एसिड बेस मेंटेन किया जाएगा, फिर क्लैरिफायर, क्लैरिफायर में स्क्रीनिंग की जाएगी, फ्लॉकुलेंट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, फ्लॉकुलेंट कोएगुलेंट ऐड किया जाएगा, उसके बाद फ्लॉकुलेशन होगा, उसको फिल्ट्रेशन के लिए सेंड करेंगे, उसके बाद उसमें एक्टिवेटेड कार्बन डाल देंगे और फिर इसमें क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जो स्लज बचा हुआ है यानी कि वेस्ट बचा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। नाउ रिसेंट रिसर्चर्स एंड स्टडीज हैव लेड टू मेनी मोर मेथोडोलॉजीज, अब जो रिसेंट स्टडीज हुई है उसमें और कुछ कुछ मेथोडोलॉजी जो है इन्वॉल्व हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स प्रूफ एज अ क्लीनिंग ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रो फ्लोटेशन एंड इलेक्ट्रो कोएगुलेशन हैज रिमूवल ऑफ सीओडी, टर्बिडिटी, फिनॉल, हाइड्रोकार्बन, ग्रीजेस एंड एटसेट्रा। तो जैसे वहां पर एडवांस टेक्निक थी डेयरी इंडस्ट्री में, वैसे यहाँ पर भी एडवांस टेक्निक्स करके आप हेडिंग डाल सकते हो, एडवांस्ड टेक्निक्स। तो एडवांस टेक्निक्स में यहाँ पर, ठीक है, क्लीनिंग ट्रीटमेंट जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रो कोएगुलेशन का यूज कर सकते हैं यानी कि कोएगुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में इलेक्ट्रो फ्लोटेशन, ये दो टेक्निक है। आपको इसमें ये याद नहीं रखना है कि ये कैसा होता है क्या होता है, इसमें बस एक ही चीज याद रखना है कि क्या होगा, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा, ठीक है। उसके बाद में टर्बिडिटी यानी कि उसका जो क्लियरेंस है वाटर का, ट्रांसपेरेंसी है, वो यहाँ पर बढ़ेगा। उसके बाद में फिनॉल रिमूव होंगे, ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स रिमूव होंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट टेक्निक है वो है बायोडिग्रेडेशन। तो बायोडिग्रेडेशन में क्या होगा, ओजोनाइजेशन हमें यूज करना है और यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड चारकोल यूज करना है, ठीक है। तो ओजोनाइजेशन यानी कि O3 के फॉर्म में हमें इसमें सप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा कि
जो भी प्रोसेस है वो ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होंगे और फिर वो वहां से रिमूव होंगे। उसके बाद में एक्टिवेटेड चारकोल भी हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल भी हम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में यूज ऑफ रोडोकोकस ऑफ डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि बायोलॉजिकल टेक्निक में ही है, रोडोकोकस, तो ये बैक्टीरिया का नाम है रोडोकोकस, ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद में डाइमिथिल प्लालेट थैलेट, डाइमिथिल टेरिप थैलेट, दो केमिकल्स हैं, डाइमिथिल थैलेट और यहाँ पे ही टेरिप थैलेट, ठीक है, डाइमिथिल डाइमिथिल ही है दोनों में, तो ये कुछ ऐसे टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनको ये बैक्टीरिया रोडोकोकस क्या करती है, रिमूव करती है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट वेलैंड्स नियर इंडस्ट्रियल साइट, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल साइट्स है जहाँ पर ये सब हो रहा है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल साइट्स है और वहीं पर हम ये सारे सेटअप्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर ये जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा और हम इजीली वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बाद में बचा हुआ है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद स्लज डाइजेशन का प्रोसेस बचा हुआ है, उसके बाद में जो है हम कुछ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो ये बचे हुए हैं, तो दो तीन लेक्चर्स और लगेंगे, तो हम ये कल जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे।